उसे ब्रह्मांड के रहस्य की चाबी कहते हैं। हमने अभी इसकी खोज की है और इसने पूरी तरह सबके होश उड़ा दिए हैं। उसमें नई टेक्नोलॉजी की खोज होगी। हम एक विशाल अनजान जगह पर जा रहे हैं, क्या मालूम हमें वहां पर क्या मिल जाए। और शायद दुनिया की आज तक की सबसे अहम वैज्ञानिक खोज होगी। उससे हम दुनिया को एक नए नजरिए से समझना शुरू कर पाएंगे। क्या गॉड पार्टिकल नाम की ये चीज बता सकती है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, और क्या इससे जुड़े सुराग ये इशारा करते हैं कि हजारों साल पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव हमें इसकी अहमियत समझा कर गए थे। हम इसकी मदद से यूनिवर्स में हमारी अहमियत जान सकते हैं, और शायद टेलीपोर्ट और टाइम और स्पेस में सफर भी कर सकते हैं। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो क्या इस बात का सबूत गॉड पार्टिकल की खोज में मिल सकता है? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, द गॉड पार्टिकल। हर धर्म इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, हमारी शुरुआत कैसे हुई। इंसानियत के जन्म के वक्त से ही फिलोसोफर्स, साधु और पुजारी हमारी शुरुआत के बारे में सोचते आए हैं। विज्ञान ने हमेशा ये बात जानने के लिए सबूत ढूंढने की कोशिश की है। विज्ञान और धर्म दोनों ही कुछ बुनियादी नियमों के सहारे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। विज्ञान में वैज्ञानिक तरीके होते हैं, और धर्म में उसी सवाल का जवाब देने के लिए अलग नियम होते हैं। धर्म ये मानता है कि दुनिया में ईश्वर या देवता होते हैं। धर्म हमें दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाता है, और विज्ञान एक अलग नजरिए से देखना सिखाता है। हाँ, इन दोनों नजरियों में काफी कुछ बातें थोड़ी बहुत एक जैसी हैं। विज्ञान और धर्म देखा जाए तो दोनों सच की तलाश करते रहते हैं। उनकी फिलॉसफी भी यही कहती है। दोनों हमारी शुरुआत के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बिग बैंग या सृष्टि का जन्म होना या फिर जेनेसिस। ये सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि विज्ञान, धर्म और फिलॉसफी सब एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं। ये देखकर मुझे आइंस्टाइन का सवाल याद आता है, जब ईश्वर ब्रह्मांड बना रहे थे तब वो क्या सोच रहे थे। अगर विज्ञान और धर्म दोनों हमेशा से एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है? क्या सचमुच ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है? विज्ञान कभी भी दुनिया में ईश्वर के होने के बारे में बात नहीं करता, और इसीलिए ईश्वर के होने की संभावना बनी रहती है। तो हो सकता है ईश्वर ने इसी यूनिवर्स को बनाया है, हो सकता है ईश्वर ने ही बिग बैंग करवाया हो। प्राचीन जमाने में फिलोसफर्स वैज्ञानिक हुआ करते थे, सबूतों के जरिए रिसर्च करने और धार्मिक सोच से थ्योरी बनाने वाले दोनों वैज्ञानिक माने जाते थे। सभी गहरी सोच रखने वाले लोग दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हम इन दोनों को वो अलग अलग धारणाएं मानते हैं। अगर हमें सच में धर्म और विज्ञान की बीच की दूरी कम करनी है, तो हमें ये मानना ही होगा कि धर्म को एक वैज्ञानिक नजरिए की जरूरत है, और विज्ञान थोड़ा सा धार्मिक नजरिया अपना ले तो उसे फायदा ही होगा। मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक कहानियों को सच माने, लेकिन धर्म को समझने की कोशिश करे, और जिसे वो सिर्फ कहानियां मानता है ये जानने की कोशिश करे कि क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। वो खोज करे और सच्चाई जानने की कोशिश करे। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम अपनी शुरुआत का सच जानने के करीब आ रहे हैं?
क्या हमें ये पता चलने वाला है कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं? कुछ लोगों का मानना है कि हाल ही में हुई एक बड़ी वैज्ञानिक खोज हमें इस सच को जानने के काफी करीब ले जा सकती है। जिनीवा, स्विट्जरलैंड। यहां पर जमीन की सतह में 300 फुट नीचे पूरे 27 किलोमीटर की लंबाई वाली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी किस्म की मशीन बनाई गई है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर या LHC। इसमें छोटे छोटे प्रोटॉन्स को लगभग 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया जाता है। इसलिए LHC में इतनी एनर्जी पैदा होती है कि कुछ लोग को डर है कि इसमें एक बिग बैंग पैदा हो सकता है जो पूरी धरती को निगल सकता है। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानों के हाथों बना आज तक सबसे अनोखा और ताकतवर डिवाइस है। इसमें जिस तरह दो प्रोटॉन्स को बेहद तेज रफ्तार से छोड़ा जाता है और एक दूसरे से टकराया जाता है, उससे ढेर सारी एनर्जी पैदा होती है और छोटे छोटे पैमाने पर वैसे ही हालात बनते हैं जैसे कि बिग बैंग की शुरुआत में पैदा हुए होंगे। ये एक तरह से वक्त में पीछे जाने जैसा है। बिग बैंग के वक्त में जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, हम यूनिवर्स की शुरुआत के वक्त में जाते हैं जब यहाँ उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हुई थी। July 4, 2012 के दिन LHC के जरिए हुई पहली खोज के बारे में जानने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN के एक ऑडिटोरियम के बाहर हजारों लोग जमा हुए थे। ये इवेंट दुनिया भर में लाइव दिखाया जा रहा था और वैज्ञानिक ऐसी खोज के बारे में बताने वाले थे जो हमारी यूनिवर्स से जुड़े एक सालों पुराने रहस्य को सुलझा सकती थी। उस वक्त उस जगह पर कमाल का माहौल था। वो किसी आम फिजिक्स सम्मेलन या सेमिनार जैसा माहौल नहीं था। लोगों का मानना था कि एक बहुत बड़ी बात के बारे में बताया जाने वाला था, ऐसी बात जो बेहद अनोखी थी और यही सच था। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हम वो कर सकते हैं। CERN में वैज्ञानिकों ने मैटर के एक छोटे से टुकड़े की खोज की जिसे नाम दिया गया द गॉड पार्टिकल। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज को हमारे ज्ञान हासिल करने के सफर में एक बड़ी कामयाबी माना है और उन्हें लगा कि उसकी मदद से हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये गॉड पार्टिकल क्या चीज है और ये हमें यूनिवर्स के बारे में क्या बताता है? साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे हिग्स बोसोन के नाम से जाना जाता है और इस पार्टिकल के बारे में सबसे पहले 1964 में फिजिसिस्ट पीटर हिग्स ने बताया था। इसकी खोज से ये बात साबित होती है कि पूरी यूनिवर्स में एक अनोखी शक्ति है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ये पार्टिकल इस फील्ड में आते हैं तो उनमें मास पैदा होता है जिससे वो धीमे हो जाते हैं और इस वजह से उनसे मैटर बनती है जैसे कि ग्रह और तारे। उनको आप रेत या फिर शक्कर से गुजरती पिंग पोंग बॉल्स की तरह समझ सकते हैं। कभी कभी वो रेत के अंदर चली जाती हैं, कभी कभी रेत के ऊपर आ जाती हैं। जब वो ऊपर होती हैं, तो ज्यादा तेजी से चलती हैं, और अगर वो नीचे दबी होती हैं, तो धीरे। और इस तरह हिग्स फील्ड के संपर्क में आने की वजह से हिग्स पार्टिकल के अंदर मास पैदा होता है। शब्दों में ये जताना नामुमकिन है कि हिग्स पार्टिकल की खोज कितनी बड़ी बात है और इस खोज से हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी में अब लोग बहुत उतावले हो रहे हैं क्योंकि हिग्स फील्ड पूरे स्पेस टाइम में फैला हुआ है। थियोरेटिकली ये मुमकिन है कि हम पार्टिकल्स का मास गायब कर दें और तब उनकी रफ्तार लगभग रोशनी की रफ्तार जितनी हो सकती है। इससे ना सिर्फ नए ग्रहों पर बल्कि तारों पर भी जाकर उनके बारे में जानना मुमकिन होगा। अब चाहे हम सहारा लें विज्ञान, धर्म, फिलॉसफी या फिर एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी थ्योरी का, लेकिन बात यह है कि हम एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और आखिर हमें जाना कहां है। और इसलिए हमने हिग्स बोसोन या गॉड्स पार्टिकल्स की खोज का जश्न मनाया।
क्योंकि उससे हम इन सवालों का जवाब ढूंढने के और करीब आ गए जिनका जवाब इंसान हजारों सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस छोटे से पार्टिकल की खोज यूनिवर्स को समझने की हमारी काबिलियत में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे हम एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी बनाने, रोशनी की रफ्तार से सफर करने और वर्म होल्स बनाने जैसे काम कर सकते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का मानना है कि गॉड पार्टिकल एक नई खोज नहीं है बल्कि बहुत पहले इसकी खोज हो गई थी। चंडीगढ़ भारत, हिमालय के पास बसा ये भीड़ भाड़ वाला शहर भारत के पंजाब स्टेट की राजधानी है। विद्वानों का मानना है कि भारत के उत्तर पश्चिम में बसे इसी इलाके में वो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे जिन्हें वेद कहा जाता है। उनमें ऐसी कहानियों को लिखा गया था जो कई पीढ़ियों से लोग एक दूसरे को सुना रहे थे। खुद हिंदू परंपरा कहती है कि इन वेदों को लिखने का काम आज से पूरे 5000 साल पहले किया गया था, लेकिन इनमें लिखे श्लोकों के बारे में काफी वक्त पहले से ही भारत के लोगों को जानकारी थी। हम जानते हैं कि दुनिया में किसी भी और किताब से अलग वेदों का एक भी शब्द आज तक कभी बदला नहीं गया है, क्योंकि लोगों में ये मान्यता थी कि वेदों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वेदों का जन्म धरती पर नहीं हुआ है, वो रहस्यमय जगह से आए हैं। वो वक्त की शुरुआत के पहले से मौजूद हैं और इंसान के जन्म से पहले से मौजूद हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो देवताओं के पहले से मौजूद हैं। आधुनिक विज्ञान की कई जानी मानी हस्तियों ने वेदों को पढ़ा था। बोर और श्रोडिंगर ने उन्हें पढ़ा था। ओपन हैमर ने उन्हें संस्कृत में पढ़ा था। यहाँ तक कि कहते हैं कि आइंस्टाइन और टेस्ला ने भी उन्हें पढ़ा था। नए जमाने की सोच पर इनका गहरा असर हो रहा है। इन प्राचीन किताबों में हिंदुओं के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत की कहानियां हैं। ऋग्वेद नाम की एक वैदिक किताब में लिखा है कि यूनिवर्स का जन्म एक धमाके के साथ एक बेहद छोटे सिर्फ एनर्जी से बने पॉइंट से हुआ था। उसमें एक अजीब कॉस्मिक एग की बात कही गई है जिसमें सब कुछ सिमटा हुआ था और उस एक अकेले पॉइंट के फैलने से ही हमारी पूरी यूनिवर्स का जन्म हुआ था। अब अगर आप इस बात को नए जमाने के नजरिए से देखें तो यह आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी जैसी लगती है, जिसमें यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी जो बाद में वैसी यूनिवर्स बन गई जैसी आज मौजूद है। ये हैरानी की बात है कि दोनों एक जैसे हैं। ये कोई आम बात नहीं थी जो किसी को भी आसानी से पता चल सकती थी। ये एक ऐसी धारणा थी जिसे हमारे वैज्ञानिक भी 20वीं सदी की शुरुआत तक समझ पाए थे, लेकिन फिर भी इन सब किताबों में ये जानकारी मौजूद थी जो कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3000 साल पुरानी तो थी। वेदों की सबसे अनोखी बात ये है कि वो उस जमाने में एक ऐसे नतीजे पर पहुंच पाए थे जिस पर आधुनिक जमाने के वैज्ञानिक अब जाकर पहुंच पाए हैं, वो भी इस जमाने के सबसे महान वैज्ञानिकों की सोच की वजह से। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हिंदू धर्म के ऋग्वेद में लिखी ये कहानी इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले के उन लोगों के पास यूनिवर्स की घटना के पीछे के विज्ञान के बारे में एकदम सटीक जानकारी मौजूद थी? ऐसी जानकारी जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने अब जाकर हासिल करना शुरू किया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट का यही मानना है और उन्हें यकीन है कि इसके और सबूत यूनिवर्स के जन्म की एक और कहानी में मिल सकते हैं, हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में। उनमें लिखी पहली बातों में से एक ये है कि अब रोशनी हो जाएगी और फिर बिग बैंग जैसा ही कुछ होता है और पूरी यूनिवर्स का जन्म रोशनी यानी कि एनर्जी के रूप में हो जाता है। ये दुनिया के जन्म का वो पल था जिसे कोई इंसान देखता तो उसे बस एक तेज रोशनी फैलती हुई दिखाई देती। अगर इस तरह से देखा जाए तो बाइबल की जेनेसिस की कहानी और विज्ञान दोनों एक ही बात कहते हैं।
उन शब्दों में सबसे पहली बार जन्मी रोशनी के बारे में लिखा है, वो रोशनी जिससे बाकी चीजों का जन्म हुआ, उस रोशनी से आखिर में जाकर मैटर और बाकी सारी चीजें बनी, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी। आज के विज्ञान के मुताबिक बिग बैंग के बाद एक सेकेंड से भी कम वक्त में हिग्स फील्ड ने रोशनी के पार्टिकल्स को बदल कर उनमें मास पैदा किया और इस तरह मैटर का जन्म हुआ। अलग अलग धर्मों के ग्रंथों में एक जैसी बात लिखी है, पहले रोशनी आई फिर मैटर। यूनिवर्स के रोशनी के एक पॉइंट से जन्म लेने की ऐसी ही कहानियां प्राचीन वक्त की दुनिया भर की कई सभ्यताओं में मिलती हैं, इजिप्ट से लेकर चाइना तक और अमेरिकन साउथ वेस्ट तक। दुनिया के जन्म की इजिप्शियन कहानी में पहले देवता का नाम था एटम। वो अंधेरे से बाहर आए और इजिप्शियन सभ्यता को जन्म दिया। सुमेरियन हो, इजिप्शियन हो या नॉर्स, सबकी कहानियों में कोई ना कोई अंधेरे से निकलता है, हलचल में से शांति जन्म लेती है। जहां कोई आकार नहीं था वहां आकार बनता है। इन कहानियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ किसी एक कहानी में नहीं लिखी है और किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा लगती है। ये कैसे हो सकता है कि प्राचीन दुनिया के ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ यूनिवर्स के जन्म की वही कहानी बताते हैं जो आज का विज्ञान भी बताता है, और हमारे पूर्वजों को यूनिवर्स के जन्म के बारे में ये बेहद अहम और मुश्किल जानकारी आखिर मिली कहां से? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब उन इंसान की कहानियों में मिल सकता है जिन्होंने वैदिक किताबों को लिखने का काम किया था, एक रहस्यमय साधु जिनका नाम था वेद व्यास। हिंदू धर्म की कहानियों में व्यास को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, और कहा जाता है कि विष्णु इन किताबों को लिखने के लिए ही एक इंसान का अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। वो मुनि व्यास जिन्होंने वेदों को लिखने का काम किया था कहते हैं कि वो अमर थे और वो खुद ईश्वर का ही एक रूप थे। कुछ लोग कहते हैं कि व्यास धरती पर इस वैदिक ज्ञान को लिखने और इंसानों को देने के लिए आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थे जो यहाँ इस मकसद के साथ आए थे कि इंसानों को ज्ञान दे सके और विज्ञान और फिजिक्स को और अच्छे से समझने में उनकी मदद कर सके? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वेद व्यास एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थे और उन्होंने इंसानों को यूनिवर्स के जन्म से जुड़ी जानकारी आज से हजारों साल पहले दे दी थी, जबकि लार्ज हैड्रन कोलाइडर बनाया तक नहीं गया था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस बात के सबूत एक ग्रीक साइंटिस्ट की कहानी में मिल सकते हैं जो अपने वक्त से 2500 साल आगे की सोच रखते थे। ये है ग्रीस का थ्रेशियन कोस्ट, एजियन सी के उत्तरी छोर पर एक बड़े प्राचीन शहर के अवशेष मिलते हैं। आज से 2500 साल पहले अब्देरा एक जाना माना बंदरगाह था और कारोबार का इलाका था। यहाँ पर अलग अलग रियासतों के बीच बड़े बड़े कारोबार होते थे और यहाँ इतिहास के सबसे महान विद्वानों में से एक रहते थे, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस 5वीं सदी ईसा पूर्व में रहने वाले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर थे। वो सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं थे बल्कि एक साइंटिफिक थ्योरिस्ट थे। उनकी कमाल की खूबियों के कारण उन्हें आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। डेमोक्रिटस का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ और उन्हें पर्शियन मगाई ने पढ़ाया था, ऐसे पुजारी जो माना जाता है कि लोगों की तकदीर लिखते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें मैजाई ने पढ़ाया था जो इस इलाके के पुजारी थे, और कहते हैं कि वो इजिप्ट और बेबीलोन भी गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ खास गुरुओं के पास पढ़ाई की थी जिनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ज्ञान की जानकारी थी। डेमोक्रिटस काफी सफर करते थे और आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने प्राचीन वक्त के पूर्वी इलाकों में काफी सफर किया और मैजाई से मिलकर बहुत कुछ सीखा था।
और उन्हें चैल्डियंस ने भी पढ़ाया था, जो अपनी जादुई और रहस्यमय ताकतों और जादुई और रहस्यमय ज्ञान के लिए हर जगह जाने जाते थे। इन सफरों से और रहस्यमय ज्ञान रखने वाले लोगों से मिलकर उन्हें जो जानकारी मिली थी, उससे इन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन ने यूनिवर्स की सारी चीजों के बारे में एक अनोखी थियरी बनाई थी। डेमोक्रेटस ने कहा कि दुनिया में सब कुछ, जैसा लोग, पौधे, पत्थर और सूरज, एक ही चीज से बने थे, बहुत छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें उन्होंने एटमस नाम दिया। उन्होंने उस जमाने की एटॉमिक थ्योरी बना ली थी। ये एक शुरुआती थ्योरी थी जिसके मुताबिक दुनिया में सब कुछ बहुत छोटे छोटे अनदेखे पार्टिकल से बना हुआ है, जिन्हें डेमोक्रेटस ने एटॉमस नाम दिया था। डेमोक्रेटस का कहना था कि दुनिया में एक बुनियादी चीज है, वो उसे देख नहीं सकते थे। फिर भी ये थ्योरी बनाई गई थी एक फिलोसॉफिकल थ्योरी, जो ग्रीस के प्राचीन वक्त में विज्ञान की शुरुआत के पहले बनी थी। कमाल है कि एटम्स के बारे में हम जो कुछ जानते हैं, डेमोक्रेटस ने उससे मिलती जुलती ही बात कही थी। उन्हें देखकर इस बात का एहसास हुआ था कि जब हम किसी चीज को काटते हैं तो उसके टुकड़ों में उसी चीज की खूबियां आ जाती हैं, और इस तरह उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट किया, अगर वो उसे काटते जाएं तो आखिर में उन्हें सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और वो टुकड़ा बनेगा एटम। उसी पर उसी चीज की खूबियां निर्भर करती हैं। आज हमें मैटर के बारे में यही पता है कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। डेमोक्रेटस ने 2500 साल पहले जो सोचा था, वो काफी हद तक फिजिक्स की बुनियादी मॉडल जैसा ही है। उसी के आधार पर हमने हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज की है। लेकिन आखिर डेमोक्रेटस को एटम और उसे बनाने वाली शक्तियों के बारे में कैसे पता चला? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेटस के पास क्वांटम रियल्म के बारे में अनोखी जानकारी थी, जो उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मिली थी? कुछ एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इसका जवाब एक और भी अनोखी बात से मिल सकता है, जो डेमोक्रेटस ने यूनिवर्स के बारे में कही थी। अपने कागजात में डेमोक्रेटस ने यह लिखा था कि हमारे जैसी और भी दुनिया है जिसमें जीवन पनपता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया, जिसका मतलब है कि वो पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे थे? अगर हम डेमोक्रेटस की बजाय आज के जमाने की बात करें, तो कई लोग इस पैरेलल यूनिवर्स की धारणा पर यकीन करते हैं और इसे मल्टी यूनिवर्स कहते हैं, जिसके अंदर ढेर सारी यूनिवर्स मौजूद हैं। ये बात डेमोक्रेटस की कई दुनियाएं मौजूद होने की बात जैसी ही है, लेकिन अब हम लोग मानते हैं कि वो सब आसपास ही हैं और स्पेस और टाइम में एक साथ मौजूद हैं। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारी यूनिवर्स जैसी कई यूनिवर्सेस हैं, और गॉड पार्टिकल की मदद से हम दूसरी यूनिवर्सेस को ढूंढ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेटस को 2500 साल पहले ये सब पता था? और क्या ऐसा था कि ये जानकारी उन्हें ना सिर्फ किसी और दुनिया से, बल्कि किसी और यूनिवर्स से मिली थी? डेमोक्रेटस दावा करते हैं कि वो दूसरी दुनियाओं के साथ संपर्क करते थे, और कभी कभी वो उन जगहों पर जाते थे जहां लोग दफन होते थे, और उनके मुताबिक वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके ऐसी बातें सुन पाते थे जिन्हें उन्हें भविष्य का पता चलता था। डेमोक्रेटस से जुड़ी कुछ कहानियों में लिखा है कि उनमें जादुई शक्तियां थीं जिनसे वो मौसम पर काबू करते थे और प्राकृतिक मुसीबतों का पहले से ही पता लगा लेते थे, और उनका दावा था कि वो दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात कर पाते थे, और वो ऐसी तस्वीरों और आवाजों की बात करते थे जो उन्हें अलग अलग जानकारियां देती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन मैजाई पुजारियों ने और रहस्यमय इजिप्शियन पुजारियों ने और बेबीलोन के पुजारियों ने उन्हें कोई खास प्राचीन कला सिखाई थी, जिसकी मदद से इंसान सीधे टेलीपैथिक तरीके से परग्रही जीवों के साथ संपर्क बना सकता है और जब चाहे उनसे बात कर सकता है? हम विज्ञान में जितना आगे जाएंगे, हमें बीते कल के उतने ज्यादा रहस्य पता चलते जाएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुके हैं। इंसानों को शुरुआत से ही कोई और दिशा दिखा रहा है। लेकिन क्या डेमोक्रेटस को सच में ईसा पूर्व की 5वीं सदी में एटॉमिक थियरी और मल्टीपल यूनिवर्सेस के बारे में सटीक जानकारी थी?
या ऐसा हो सकता है जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि जो सिर्फ उस जानकारी को लिख रहे थे जो उन्हें दूसरे बेहद विकसित जीव बता रहे थे। क्या उन जीवों ने जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़े थे जिनमें हम आगे जाकर यूनिवर्स के बारे में जान पाए? शायद इस सवाल का जवाब गॉड पार्टिकल की खोज और मायन कैलेंडर से उसके ताल्लुक के बारे में जानकर मिल सकता है। पलेंके, मेक्सिको। ये खूबसूरत खंडर किसी जमाने में यहां बसे मायन शहर की आखिरी निशानी है। इसमें ऊंचे ऊंचे पत्थर के पिरामिड्स और खूबसूरत गलियारे हैं जिनसे पता चलता है कि मायन सभ्यता कितनी ज्यादा विकसित थी। जहां तक विज्ञान और कलाकारी की बात है, माया इन मामलों में सबसे कामयाब प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। मैथ, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री के मामलों में वो अमेरिका की किसी भी दूसरी सभ्यता से बहुत आगे थे। और इसी प्राचीन मायन शहर में खुदाई करने पर कुछ रिसर्चर्स को एक ऐसा अनोखा कैलेंडर मिला था जो न सिर्फ दिनों और महीनों का हिसाब रखता था बल्कि आगे के हजारों सालों के युगों का हिसाब भी उसमें मौजूद था। मायन लोग वक्त का हिसाब रखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। मैं कहूंगा इतनी ज्यादा दिलचस्पी कि शुरुआती विद्वान ये कहते थे कि ये सभ्यता समय की पूजा करती थी। उन्होंने कई सारी कैलेंड्रिकल साइकिल्स बनाई थी और उनमें से आखिरी साइकिल्स में से एक का नाम है लॉन्ग काउंट। पश्चिमी दुनिया के लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार एक ऑडोमीटर जैसी थी। ये वक्त के साथ आगे बढ़ती थी और विद्वानों की इस बारे में अलग अलग राय है कि ये साइकिल आखिर में फिर से शुरू होती है या ये ऐसा सिस्टम है जो बार बार आगे पीछे जाकर लगातार चलता रहता है। मायंस टाइम साइकिल और उनके दुनिया पर असर के बारे में सोचते थे। उनका मानना था कि हम पहले भी तीन दुनियाओं में जी चुके थे और वो मानते थे कि वो अगली दुनिया की शुरुआत का वक्त पता कर सकते हैं। और मायन कैलेंडर का यही काम था, एक खास तारीख और वक्त का एकदम सटीक हिसाब लगाकर ये बताना कि ये दुनिया कब खत्म होगी और कब नई दुनिया की शुरुआत होगी। मायन कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 पर खत्म हो जाता था। सारी दुनिया से हजारों लोग इस दिन को यादगार बनाने के लिए मायन इलाके में आए थे। पर कुछ लोगों को ये तबाही का दिन लग रहा था। मायन कैलेंडर में दिसंबर 2012 में दुनिया के खत्म होने की बात लिखी जा चुकी थी और उनके चलते कई लोगों ने ये यकीन कर लिया था कि उस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी। पर हम सब जानते हैं कि उस दिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ये तबाही का वक्त नहीं बता रहा था जैसा कि कई लोग मानते थे, तो ये कैलेंडर किसकी बात कर रहा था? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि ये एक सटीक वक्त को बता रहा था, लेकिन दुनिया के खत्म होने का नहीं बल्कि इंसानों के इतिहास में एक नया दौर शुरू होने का। मायंस ने ऐसा कभी नहीं लिखा था कि सब तबाह हो जाएगा। उन्होंने लिखा था कि एक नई दुनिया का जन्म होगा। शायद वो मायन कैलेंडर एक बड़ी कामयाबी की बात कर रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसकी वजह से वैज्ञानिक समझ और संभावनाओं का एक नया और बेहतर युग शुरू हो जाएगा। उस वक्त के आसपास ही हमने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन की खोज की, तो शायद मायंस कैलेंडर जिसकी भविष्यवाणी कर रहा था वो कोई खतरनाक तबाही नहीं थी बल्कि वो हमारे गॉड पार्टिकल जैसी अहम खोज करने की बात कर रहा था। और ये कि कैसे हम इसकी मदद से यूनिवर्स में हमारी अहमियत जान सकते हैं। अगर मायन लोगों ने सच में गॉड पार्टिकल की खोज की भविष्यवाणी की थी तो क्या इस बारे में भी कुछ कहा था कि इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस सवाल का जवाब 770 किलोमीटर दूर उत्तर में इजापा में मिली एक और मायन आर्कियोलॉजिकल साइट में पाए गए नक्काशी किए हुए वॉल्केनिक एंडेस साइट में मिल सकता है। यहां स्टेला 5 पर
एक अजीबोगरीब पेड़ का चित्र बना है जो मायन लोगों के मुताबिक धरती को यूनिवर्स से जोड़ता था। उनके हिसाब से ये वॉल ट्री देखने वाली और साथ ही अनदेखी दुनिया को आपस में जोड़ता था, यानी अंतरिक्ष और धरती की चीजों को। माइंस का मानना था कि इस पेड़ से इड्स नाम का एक रस या सैप निकलता था। उस रस में ऐसी शक्ति थी जिससे हम अनदेखी डायमेंशंस के दरवाजे खोलकर उनसे संपर्क कर सकते थे। ये दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजों की चाबी थी। माइंस ने इस अनोखे रस के बारे में बताया है जो उनके मुताबिक वर्ल्ड ट्री से निकलता था। ये इड्स दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे खोल सकता था। शायद वो किसी विकसित एनर्जी की बात कर रहे थे जिसे वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और शायद उसके बारे में उन्हें परग्रही जीवों ने बताया और उससे जुड़ी हर चीज सिखाई। जब मैंने उस पवित्र पेड़ से जुड़ी बातों पर ध्यान दिया तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये सैप्स हिग्स बोसोन ही हो, यानी गॉड पार्टिकल। और कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शायद उनकी मदद से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और छोटे वॉर्म होल्स भी बना सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसोन की खोज की मदद से यूनिवर्स में हमारी अहमियत समझ सकते हैं और फिर शायद टेलीपोर्ट और टाइम और स्पेस में सफर भी कर सकते हैं? क्या मायन कैलेंडर गॉड पार्टिकल की खोज की भविष्यवाणी के लिए बनाया गया था? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि हम उन एलियन से फिर से संपर्क करने के काफी करीब हैं जो बहुत पहले धरती पर आए थे? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस बारे में एक और सुराग लार्ज हैड्रन कोलाइडर के दरवाजे के ठीक बाहर बनी शिव की मूर्ति से मिल सकते हैं। जिनीवा, स्विट्जरलैंड। CERN के लार्ज हैड्रन कोलाइडर के हेडक्वार्टर्स के बाहर नटराज शिव की या नाचते हुए शिव की एक 12 फुट की मूर्ति है जो हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर भगवानों में से एक है। हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान के तीन अहम रूपों में से एक है भगवान शिव। वो विनाश के देवता हैं, उनका काम है सब खत्म करना लेकिन नई शुरुआत करने के लिए। वो बिगाड़ते हैं फिर बनाते हैं। उनकी एनर्जी उन्हें डांस की कला को भगवान मानते हैं। वो एक अनोखा डांस करते हैं और उसे तबाही और नई शुरुआत का डांस माना जाता है। भगवान शिव बहुत अनोखे किस्म के हैं। उनके बारे में एक शब्द समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो नई चीजों को जन्म देते हैं लेकिन वो उनका सर्वनाश भी कर देते हैं। वो ऐसे भगवान हैं जो हर चीज का विनाश करते हैं, क्योंकि जिसका भी जन्म होता है उसका खत्म होना भी तय है। हिंदू पुराणों के मुताबिक शिव ही वो भगवान है जो एक दिन इस यूनिवर्स को खत्म करेंगे ताकि नई यूनिवर्स बनाई जा सके। शिव के तांडव नृत्य को बुरा नहीं माना जाता है, जबकि उसमें बहुत तबाही होती है। वो तबाही इसीलिए होती है ताकि किसी नई चीज को बनाया जा सके। तो ये जिंदगी के बहाव का ही एक हिस्सा है जिसमें कुछ चीजों को जगह से हटाया जाता है ताकि नई और बेहतर चीजें उनकी जगह ले सकें। लेकिन क्या इन हिंदू भगवान की ये सारी खूबियां हाल ही में लार्ज हैड्रन कोलाइडर में हुई एक खोज से जुड़ी है जो ये कहती है कि हमारी यूनिवर्स एक दिन अचानक पूरी तरह तबाह हो सकती है? हिग्स बोसोन मास मेजरमेंट की वजह से एक अनोखा नतीजा ये निकला है कि हमें पता चला है कि हिग्स बोसोन और टॉप क्वार्क मिलकर हमारी इस यूनिवर्स में असीमित हलचल का एक खतरनाक माहौल पैदा कर सकते हैं। यूनिवर्स कई अलग अलग स्टेट्स में रह सकती है, जैसे पानी भाप बनकर रह सकता है या पानी बनकर या बर्फ बनकर। अगर यूनिवर्स का स्टेट बदला तो इससे स्पेस टाइम के ऐसे बबल्स बनेंगे जो लाइट की रफ्तार से आकार में बढ़ेंगे और उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारा नॉर्मल मैटर, अभी यूनिवर्स में जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं बचेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि तेजी से बढ़ने वाले बबल्स जिनमें कुछ नहीं होता है उनसे नई नई यूनिवर्सेस का जन्म होगा, और हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हलचल होना जरूरी है क्योंकि इसी हलचल से बिग बैंग की शुरुआत होती है। क्या शिव न सिर्फ एक पौराणिक शक्ति है जो कि हिंदू धर्म की यूनिवर्स से जुड़ी समझ का प्रतीक है, बल्कि वो साथ ही साथ एक दूसरी दुनिया से आए जीव थे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को वो जानकारी दी थी जिसकी अब हम फिर से खोज कर रहे हैं। शायद सब कुछ खत्म करने वाले देवता शिव असल में प्राचीन वक्त में हमें चीजों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने से जुड़ी वो बातें सिखाने की कोशिश कर रहे थे जो अब हम विज्ञान से वापस सीख रहे हैं, और शायद वो हमें बताना चाह रहे थे कि जीवन को एटम्स के स्तर पर कैसे समझा जा सकता है। हिंदू परंपराओं में शिव की तस्वीर देखी जाए तो उनका शरीर नीले रंग का होता है और उनके माथे पर तीसरी आंख होती है, और अगर हम शिव के डांस की अलग अलग तस्वीरें देखें तो अक्सर उनके चारों तरफ एक गोल आकार की चीज होती है जिस पर बाहर की तरफ आग बनी होती है। जब वो अपना अनोखा डांस कर रहे हों तो उन्हें गोले में दिखाया जाता है, और हमें टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें हेड्रॉन एक्सेलेटर नाम के उस विशाल गोल पार्टिकल एक्सेलेटर में भी ऐसी ही तस्वीर दिखती है। शायद जिस तरह शिव को एक गोले में दिखाया जाता है और जिस तरह अब हम हेड्रॉन एक्सेलेटर को देखते हैं तो दोनों में कोई ताल्लुक तो जरूर है। हम इंसानों के कलाकार पूर्वज आखिर क्या दिखाना चाहते थे? क्या उनके अनोखे डांस की कहानियां असल में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है जिसे हम समझ नहीं पाए? कैथोलिक मास में पूजा में मॉन्स्टर्स नाम की एक चीज का इस्तेमाल होता है। अगर हम उसकी बनावट देखें तो वो ऐसी होती है जैसे रोशनी की किरणें बनी हों, वैसे ही जैसे कि शिव की नई शुरुआत की डांस की मूर्ति में आग बनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइट या एनर्जी का गोल जैसा आकार सर्न के हेड्रॉन कोलाइडर में भी दिखता है। क्या इसका मतलब ये है कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसी मशीन्स का आविष्कार एक प्लान के तहत हो रहा है? क्या जो अनोखे जीव बहुत पहले धरती पर आए थे वो इंसानों को यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में जानकारी देकर गए थे? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इसका जवाब उन बातों में नहीं मिल सकता जिनकी खोज CERN ने कर ली है, बल्कि आगे होने वाली खोजों में मिलेगा। CERN हेडक्वार्टर्स, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा गया था जब 2012 में उसकी मदद से हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। तब से रिसर्चर्स कई साल चलने वाले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये मशीन, जो पहले ही दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है, इससे ज्यादा बड़े, बेहतर और कारगर सिस्टम्स लगाकर और अच्छा बनाया जाएगा। जब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को 2015 में फिर से एक्टिवेट किया गया था तो उस बार इसमें 2012 के एक्सपेरिमेंट के मुकाबले दो गुना शक्ति थी, और शायद 10 सालों बाद उसमें 10 गुना शक्ति होगी। जब हम देखते हैं कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के डिटेक्टर्स कितने बड़े हैं तब समझ आता है कि हम कितनी भारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर आज तक बनी और किसी भी मशीन के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा ताकतवर है। हम इसकी मदद से बीते वक्त की घटनाओं को और करीब से देख सकते हैं और शायद बिग बैंग को भी और करीब से समझ सकते हैं। तो अब LHC को बंद करने के वक्त हम लोग इसके डिटेक्टर्स और इस एक्सपेरिमेंट को और बड़े एनर्जी स्टेप के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं। हम और ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम और ज्यादा गहराई में उतरते जा रहे हैं, और हो सकता है कि जल्द ही हम कोई ऐसी खोज कर लें जो सारी दुनिया के होश उड़ा कर रख दे। हम इंसान एक छोटे से इलाके में इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने वाले हैं जितने हमने पहले कभी भी नहीं की थी। मतलब एक नई घटना घटने जा रही है। CERN के वैज्ञानिकों को उम्मीद है
कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर की शक्ति बढ़ाकर न सिर्फ वो गॉड पार्टिकल के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे, बल्कि यूनिवर्स के दूसरे शायद और भी बड़े और ज्यादा अहम राज पता कर पाएंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को ये डर भी है कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक ब्लैक होल बन सकता है जो पूरी धरती को निगल जाएगा, या एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका कर सकता है, या एक ऐसा वैक्यूम बबल भी बना सकता है जो कि पूरी यूनिवर्स के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। शायद हम थोड़ी जिद कर रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि जब फिजिसिस्ट जिद पर आते हैं तो क्या होता है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा डर भी है कि शायद हम विज्ञान को हद से ज्यादा आगे ले जा रहे हैं, पर बड़े कामों में जोखिम तो होता ही है। ये तो मानना पड़ेगा कि हमें नहीं पता कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, और हम और ज्यादा हाई एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स में हम इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम यूनिवर्स को पूरी तरह जानते या समझते तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए लोगों में ऐसा डर पैदा हो जाता है कि कहीं हम किसी ऐसी चीज को जन्म ना दें जो पूरी यूनिवर्स को खत्म कर दे। जब हम उन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो कि सन में लार्ज हैड्रन कोलाइडर के साथ किए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद इनके जरिए हम यूनिवर्स को बनाने में होने वाली शुरुआती कदम उठा रहे हैं। हम मैटर को एक सब एटॉमिक स्तर पर बदल रहे हैं, और हम उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। जितनी भी यूनिवर्स को हम देखते हैं और जिसके बारे में हम जानते हैं और जो कि फिजिक्स का बुनियादी मॉडल है, असल में वो यूनिवर्स का लगभग 4% मास ही है। हम एक विशाल अनजान जगह पर जा रहे हैं। हम ऐसी घटनाएं देखने जा रहे हैं जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी हैं, और इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने जा रहे हैं जितनी आज तक कोई भी इंसान पैदा नहीं कर पाया। ये रोमांच हमें कुछ नया दिखा सकता है। तो क्या हम इस लार्ज हैड्रन कोलाइडर की भारी शक्ति के जरिए एक दिन फिर से बिग बैंग करवा लेंगे, जिससे एक नई यूनिवर्स का जन्म हो जाएगा, और हमारी यूनिवर्स तभी खत्म हो जाएगी, या उसके बजाय हम इंसानों की जिंदगी के एक नए युग की शुरुआत कर पाएंगे अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स सैकड़ों सदियों पहले हमारे ग्रह पर आए थे, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर हमें वो जानकारी दी थी जिसकी मदद से हम आज यहां तक पहुंच पाए हैं। शायद गॉड पार्टिकल नाम की इस चीज की खोज करके हम इंसान हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और इन सबसे भी अहम सवाल, क्या हम अकेले हैं?